नमस्कार, मैं प्रिया। आइए लेके चलते हैं आपको बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। ऑनलाइन आईटी पासवर्ड से कर सकेंगे गलतियों में सुधार। एसटीईटी की परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन भरे जाने हैं। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में किसी प्रकार की गलती करता है तो दिए गए यूजर आईडी पासवर्ड से अपनी गलती का सुधार कर सकता है। शक्ति सिंह गोहिल का तेजस्वी को सीएम मानने से इनकार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाना राजद का आंतरिक फैसला है, महागठबंधन का नहीं। बिहार के जिलों में एनएच होगा चकाचक। राज्य के 11 जिलों में करीब 360.45 किलोमीटर की लंबाई में एनएच को दुरुस्त किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार को 3,84,17,21,000 रुपए का प्रस्ताव भेजा है। पटना, वैशाली, मधुबनी, मेदपुरा, लखीसराय, नालंदा, भागलपुर, गया, मोतिहारी, छपरा और पूर्णिया जिला शामिल है। कुशवाहा और दलों को करना चाहते हैं महागठबंधन में शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और पिछले चुनाव में करारी हार के निजात को लेकर रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन को विस्तार करने हेतु अन्य दलों को भी महागठबंधन का हिस्सा बनाना होगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में 4,77,00,000 आवंटित। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर व औरंगाबाद जिले के परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए कुल 4,77,00,000 आवंटित किया है। मुजफ्फरपुर जिले को 96,00,000, सीतामढ़ी जिले को 1,40,00,000 और औरंगाबाद जिले को 2,41,000 आवंटित किए। नारों की सियासत, जदयू ने फिर बदला अपना नारा। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच जदयू ने एक बार फिर अपना नारा बदलकर सियासी गलियों में हलचल पैदा कर दी है। अब जदयू ने क्यों करे विचार ठीके तो है नीतीश कुमार को बदलकर क्यों करे विचार जब है ही नीतीश कुमार कर दिया है। चंद्रयान 2 पर पाक के बयान पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान को अपने आड़े हाथ लिया है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले गिरिराज सिंह ने कहा कि आज हम चांद तक पहुंच गए और पाकिस्तान आज तक गधे ही बेच रहा है। श्याम रजक अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित अखिल भारतीय धोबी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूर्ण बहुमत से श्याम रजक चौथी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनके कार्यकाल को 3 वर्ष की वृद्धि की घोषणा की। अब 8वीं पास स्टूडेंट को जॉब पाने का मौका। स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर सोशल वेलफेयर के लिए वैसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 8वीं पास कर ली है। आवेदन की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 19 सितंबर बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स www.ssupsw.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा स्टडी मटेरियल। 10वीं और 12वीं के छात्र अब व्हाट्सएप पर अपना स्टडी मटेरियल पा सकेंगे। इसके लिए बोर्ड छात्रों से कोई शुल्क नहीं लेगा। छात्र school@cbse.online पर ईमेल भेजकर या 8905629969 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपना स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 11 जगहों पर होगी जेईई मेंस की परीक्षा। जेईई मेंस कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक जनवरी में होने वाली जेईई परीक्षा भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और आरा में आयोजित होगी, जबकि पड़ोसी उत्तर प्रदेश में 18 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का बिहार में स्वागत। जम्मू कश्मीर के नौकायन के खिलाड़ी बिहार पहुंचे हैं। सभी खिलाड़ी पटना में आयोजित राष्ट्रीय इंडोर रोइंग नौकायन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। घाटों को लेकर बुड्ढकों की नई योजना। अब पटनावासी गंगा किनारे बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फायदा उठा सकेंगे। नमामि गंगे योजना के तहत शहर के गंगा घाटों पर अब गीत और संगीत की महफिलें सजेंगी और नाटकों का मंचन भी होगा। पटना के इन घाटों को शहर का कल्चर सेंटर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक बनाना चाहते हैं रवि किशन। अभिनेता से नेता बने रवि किशन ने पटना पहुंचकर यह कहा है कि आज के बाद वो किसी भी नाचने गाने फिल्मों में काम नहीं करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनाएंगे। गाड़ी का प्रदूषण जांच करवाना होगा आसान। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के पश्चात लोगों की प्रदूषण जांच करवाने की जद्दोजहद में लंबी चौड़ी कतार को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब 150 नए प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का फैसला किया है। पटना नगर निगम बांटेगा मुफ्त डस्टबिन। कचरों से फैल रहे बीमारियों के मद्देनजर पटना नगर निगम हर घर से कचरा उठाने का काम तो कर ही रहा था, अब नगर निगम ने हर घर में 2 डस्टबिन बांटने का फैसला किया है। जहां एक डस्टबिन सूखे कचरे के लिए होगा, वहीं दूसरा डस्टबिन गीले कचरे के लिए रखा जाएगा। यह योजना जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। बिहारियों के लिए बनी क्रिकेट फिल्म।
क्रिकेट फिल्म बिहार में 18 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को योगेंद्र सिंह ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में मूल रूप से बिहार क्रिकेट संघ के बटने और रणजी टीम की मान्यता रद्द करने की कहानी को भी दिखाया गया है। साथ ही साथ फिल्म में बिहार के जातिगत राजनीति से खेल को होने वाले नुकसान को भी दिखाया गया है। 9वीं और 10वीं की सेकंड टर्मिनल परीक्षा 24 से माध्यमिक शिक्षा बिहार ने 2019-20 सत्र छात्रों के 9वीं और 10वीं के सेकंड टर्मिनल परीक्षा 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ली जाएगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मूल्यांकन परिषद ने माध्यमिक शिक्षा बिहार द्वारा जारी शैक्षिक कैलेंडर के निर्देश पर इसे जारी किया है। SBI ने ब्याज दरों में की कटौती। SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती करते हुए अपने ब्याज दरों में 10 आधार अंकों तक की कटौती करने का ऐलान किया है। जारी की गई नए ब्याज दर मंगलवार से प्रभावी होंगे। NRC मुद्दे पर बोले गिरिराज। देश में चल रहे NRC के मुद्दे पर नेताओं के आ रहे प्रतिक्रियाओं के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि NRC मुद्दे को नेता राजनीति के चश्मे से ना देखे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि NRC असम के अलावा दूसरे राज्यों में भी जरूर होगा। अब सिर्फ काम के लिए मिलेगा शिक्षकों को प्रमोशन। राज्य में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब प्रोन्नति एक निश्चित समय पर नहीं बल्कि सिर्फ अच्छा काम करने पर ही मिल सकेगी। इस नए ड्राफ्ट को 3 वाइस चांसलर्स की समिति द्वारा बनाई गई है, जिसके पश्चात इस नए नियम के मैनुअल को राजभवनों ने सभी विश्वविद्यालयों में भेज दिया है। आधार कार्ड में बदलाव करवाने के लिए अब चुकानी होगी नई कीमत। UIDAI की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अब आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में बदलाव कराने पर ₹50 देने होंगे। इससे पहले इन बदलावों के लिए महज ₹25 देने पड़ते थे। इसके अलावा फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स और आइरिस के बदलाव पर भी ₹50 चुकाने होंगे। 7% से अधिक फीस वृद्धि हुई तो लगेगा 1 लाख का फाइन। जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पटना प्रमंडल आयुक्त आनंद किशोर ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा है कि अगर निजी स्कूल 7% से अधिक फीस में वृद्धि करते हैं तो उन पर ₹1 लाख का फाइन लगाया जाएगा। RRB JEE CBT 2 परीक्षा की तारीख बढ़ी। RRB ने नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है कि RRB JEE CBT 2 परीक्षा की तारीख कुछ तकनीकी कारणों से बदल दी गई है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 सितंबर को जारी किए जाएंगे। नीतीश कुमार की झारखंड नीति। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने रांची दौरे पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि SC ST को मिल रहे आरक्षण से वे बेहद खुश हैं, पर अति पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का 27% हिस्सेदारी मिलना ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।